time ever a Pakistani food blogger in India. अरे भाई बहुत बढ़िया। अरे इनके तो 20,000 चलान है। कोई ये देश लगा रहा है। ओके अरे भी आप राम की चला रहा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल भाई। एक और जबरदस्त जगह पे मौजूद है भाई। ये मैं गुजरो। अच्छा यहाँ पे ना इतनी जगहें हैं वो आप गुजरते हैं, एक जगह रश लगा होता है लोगों का और वो क्या करते हैं कि वो हाथ यूं आके खा रहे होते हैं तो फिर पता लगता है कि मशहूर जगह है और बैठने की जगह नहीं है, खड़े होके खाना है, खाते हैं फिर आपको बताते हैं। टाइम नहीं है किसी के पास। आगे बोलो, पहले भी बताया मैंने आपको। तो ये लोग खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है इनके पास। छोले चावल पालक के साथ, छोले चावल इतनी चीजें हैं, क्या क्या खाएंगे। महीना आना पड़ेगा पूरा यहाँ। उधर आपको दिखाते हैं अंदर क्या है भाई। ये पनीर वाले छोले भटूरे हैं, तो अभी तक आपने जो भी देखे हैं वो है नॉर्मल, ये कोई नेक्स्ट लेवल का काम है। और ये देखे 5-6 बंदे हैं, वो एक बंदा छुपके से देख रहा है, वो देखे जगह ही नहीं है, वो छुपके से क्या कर रहा है, हाथ निकाला हुआ है और वो देखे, ये देखे क्या बात है। असल काम उस बंदे का है वो वाला। ये ताजा प्याज रखी हुई है उन्होंने, ये देखे लोग खा रहे हैं और कुछ लोगों से रिव्यू लेने की कोशिश की है, वो कह रहे हैं भाई इतनी देर में तो हम लोग खा के निकल जाएंगे, आप क्या बात कर रहे हो। ये देखे जबरदस्त। ओए भाई दे रहा भाई। ओ भाई वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाथ यू करना पड़ेगा, हाथ यू किया दो बंदे बीच में घुस जाएंगे, तो हाथ यू रखना है। अच्छा ये हिंदी पढ़ने नहीं आती, तो तिवारी जी के छोले भटूरे हैं भाई। ये आ गए भाई द लेजेंडरी तिवारी भाई के। जरा मैं ये छोले, ये चटनी, ये और इसमें भरे हुए हैं, ये सादा नहीं है, ये आप समझ रहे हैं फूला तो हुआ है। ये देखे कितना यार गरम गरम और पनीर का इसमें, ये चेक करो। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ये देखे ओए पनीर की एक पतली सी लेयर है, ऐसा नहीं है कि स्टफ किया हुआ है, वो नहीं है। तो थोड़ा सा हम ये लगाएंगे, थोड़ी सी चटनी, एक प्याज रखेंगे ऊपर। लेवल है भाई लेवल। और अब खाएं तिवारी जी ने खाए, एक दफा खाओ बार बार आओ। तिवारी जी सलूट। देखो ये होता है ऑनर, वो वर्कर से ज्यादा काम कर रहा है तिवारी जी, इसलिए चल रहा है आपका है, आप सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं इसलिए चलता है काम। देखो ये होता है बहुत ज्यादा पनीर का आजकल का टेस्ट आ रहा है, लेकिन कमाल है यार। हर तरह के छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन ये जो है ना एक नेक्स्ट ही लेवल में है, बहुत आला यार। प्याज छोले चटनी बहुत आला। आप खाएंगे भाई? नहीं वो क्या नहीं। अरे तू जा रही? नहीं नहीं आया भाई, आप खा भाई। लोग इतने मशरूफ हैं, ट्रैफिक जैम हुई है, देखे आप रोज पैदल से ट्रैफिक जैम, बहुत आ रहा यार बहुत मजे का है। तो जब भी चांदनी चौक आए तिवारी जी से लाजमी मिलना है आप। अब आगे चलते हैं। देखो भाई चांदनी चौक की सवारी, ये देखो भाई चलो आओ चले आ जाओ भाई, क्या बात। अच्छा यार यहाँ पे जैसा मैंने बताया गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया है। तो भाई बहुत ही मजेदार छोले भटूरे खाने के बाद इस तारीखी चांदनी चौक की सैर मैंने इन खूबसूरत से साइकिल रिक्शों पे की, जिसको अल्फाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। यार क्यों बजा रहा है, कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए मेरे भाई। कैमरे में आ जाएगा ना चलान, हो जाएगा गुजर जाएगा, ये कहेंगे चलान क्यों हो गया, हम कहाँ गए थे, पता लगेगा हम तो चांदनी चौक गए थे। अरे इनके तो 20,000 चलान है। हाँ 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 ये क्यों घुसे रहे हैं फिर। कौन सा? यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। और ये देखो भाई मेन चांदनी चौक का ये गढ़ बीच,
ये कौन सा चौक है भैया? ये फवारा चौक। फवारा चौक देख लो भाई, फिर ना कहना फवारा, ये चलता भी है फवारा? बंद कर दिया, काम चालू है भाई, काम चालू है। ये गुरुद्वारा देखे इसके एंट्रेंस, तो बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारे के बाद एक खूबसूरत सी मस्जिद आई, और ये बहुत ही पुरानी थी, 1721। इसी से आप यहाँ की तारीख का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितनी तारीखी रोड है। तो रक्षे वाले भाई मुझे बहुत ही मोहब्बत से, खलूस से और प्यार से चांदनी चौक की तारीख के बारे में और तारीखी इमारतों के बारे में बयान करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। दुनिया वाला महंगे वाला बहुत बड़े देश लगा रहा है, अभी भी आप भी चला रहा, अब आप भी चला भाई, ये तो शुरू होते खत्म हो गया है। ये देखो क्या बात है, क्या बात, यहाँ से कपड़े शपड़े भी लेंगे हम। और इब्राहिम भाई कह रहे हैं मुझे एक एक गली का ईंट का पता है, ऐसे ही भैया? चलो ठीक है, ये हम अगले स्टॉप पे आ गए चांदनी चौक पे। तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि मैंने थोड़ा सा रिक्शा खुद चलाने का फैसला किया, बट यकीन मानिए आयो भाई 10 रुपए कुछ ही मीटर बाद मैंने ये फैसला वापस ले लिया, हालांकि अभी ये खाली रिक्शा था। वापस ले लिया। ये है भाई द लेजेंडरी चांदनी चौक के नटराज के दही बड़े, लेकिन मजे की बात ये है कि दही बड़े ज्यादा टिकिया कॉमन है, क्यों पाजी? ऐसे पाजी भी आए हो रहे, जबरदस्त। ये बल्ले अच्छा 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 हाँ, नहीं मशहूर ही है ज्यादा, बल्ले ही है। फिर हम एक टिक्की खाएंगे और एक बल्ले भी लेंगे, तो आपको भी टेस्ट कराते हैं। ऊपर इनकी फैमिली हॉल बना हुआ है, आप भी जाए, हम ऊपर ही चलेंगे यार। यहाँ तो ये देखे ये लाइनें चेक करें भाई, यहाँ पे लेना एक एक वो है मेहनत का काम, ये खाना भी मेहनत का, खाए कहाँ खड़े हो? जबरदस्त, ये देखें बिजनेस चेक करें आप, वो दही बड़े बना रहे हैं भाई जी, ये मसाले शाले सब बगैर देखे ये। ओ भाई ये दही बड़े बड़े डिफरेंट से दिए यार, इसकी जितनी मैंने तारीफ सुनी है ना, अब देखते हैं उससे पूरा उतरता है कि नहीं। यार बड़ी मुश्किलों से वहां से निकल के आया हूँ, ऐसा लगा कोई टनल में नहीं लोग फंस जाते, वो जो गुफा में फंस जाते हैं फिर निकलते हैं वही, वो देखो क्या अलवा खड़े नहीं हो सकते यार। मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ, तो आप ये देख सकते हैं भाई, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, पतली सी दही है, ये देखें पतली सी दही है, और ये दो बल्ले हैं, और कीमत है इसकी 70 रुपया। देखते खा के दही बड़े आप, और सिर्फ दही और बड़े है और चटनी है, कोई प्याज व्याज नहीं है, देखते खा के। ओ भाई सही था यार वो नाम जो दिया हुआ, बहुत आला यार, ओए होए 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 होए, पता नहीं दही इतनी अच्छी है या बड़े में कुछ किया हुआ है, बहरहाल जो भी कॉम्बिनेशन है भाई बलाग है बला। ये देखे ना इसको, ये इतने नरम है ये, जब इसे तोड़े हैं यूं करके, ये देखे क्या बात क्या बात। और आप ये दही के साथ चटनी मिक्स हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूं करके ये भाई साथ वाली दुकान पे है, इधर ही होते हैं, रोज खाते हैं, फ्री सेवा रोज ही मिलता है, कैसी लगती है? बढ़िया है ये, बढ़िया। देखो जो साथ रह रहा है वो कहता है ठीक है यार, आप आपको लगे, ये भी बढ़िया कह रहा है ये बंदा, दुनिया बढ़िया रहेगी है ना, नहीं दुनिया की नहीं मानेंगे। आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है? आकाश भाई जो कहेंगे वही चलेगा, देखो वो उसकी दुकान है, उसकी बात नहीं मानेंगे हम, कभी कभी आते हैं आकाश भाई रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं भाई आकाश भाई मान गया, मान गए। दूसरी इनकी आइटम है लो भाई, अब ये है जी इनकी टिक्की, बेसिकली ये टिक्की के लिए फेमस है, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त है टिक्की वर्सेस बल्ले। तो ये देखें ये आलू की टिक्की है, और ये कितनी सारी चटनी डाल के देते हैं, ओए 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 यार ये क्या आकाश भाई कहा है? बढ़िया है। किस चीज की बनी हुई है वो बता ही नहीं आपको, मालिक कह रहा है जितनी देर में मैं आपको बताऊंगा 100 टिक्की बिक जाएगी। यही है भाई, पता नहीं किस चीज की है, आलू दाल वाल सब मिक्स हुआ हुआ, आप देख सकते हैं कितने लोग खा रहे हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है,
अमीर गरीब शरीफ सब पूरे 70 रुपए की यार दो टिक्कियां और क्या इससे कम देंगे वो। आकाश भाई रोज खाते हैं, आकाश भाई तो अमीर आदमी है, खैर हमारी है ना रोज खाते हैं ना। आकाश भी कहे दिल नहीं भरता मेरा। बड़ा तो ये चांदनी चौक की दूसरी चीज थी नटराज की दही बल्ले। एंड है एंड यार एंड यार। मैंने और भी बहुत चीजें ट्राई करनी है लेकिन दिल कर रहा सारे ही खा दो। अब इसके बाद चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे नटराज 10 of 10 नहीं ज्यादा ही देंगे। बहुत बड़ा बड़ा है बड़ा बुरा। भाई बहुत रश है, लेना भी एक चैलेंज है यहाँ पे। यानी कि अगर आपको मिल गई तो लकी हो आप, वरना वो कहते हैं आधे घंटे बाद नई कचोरियां तलेंगे फिर आपको देंगे। देखते हैं कोई प्यार मोहब्बत वो करते हैं उनसे ले लेंगे। हाथ यू रखना पड़ता है। देखें अगर आपने यू किया तो वही बारी यू कौन थी। देखें क्या बात है। ओए होए होए। और ये छोटी छोटी कटोरियों में देते हैं यार, वो बड़ा जबरदस्त सीन है। चेक करते हैं आपको दिखाते हैं। ये है बड़ा, यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रिटीज आए हुए हैं। सॉरी ये ग्रीन चिली, ये इनका मसाला और ये छोटी कटोरियां। और भैया के पास देखो पलक झपकने का टाइम नहीं है। ये थोड़ी तोड़ के देते हैं, नहीं साबुत भी दे देते हैं। सही भाई आपने अगर अपना पेट भी अंदर किया ना तो दो बंदे बीच में घुस जाएंगे। तो आप ये देखिए वो भैया लगा रहे हैं। ये देख अंकल जी बहुत आला दे रहे हैं भाई। हरी मिर्ची डाल के बहुत आला। ये रहे भाई, इसमें होता क्या सर जी? कचौरी दाल की होती है, हाँ सब्जी आलू की होती है। दोनों की है? आलू की सब्जी, हाँ कचौरी दाल की होती है। अच्छा कचौरी आलू की सब्जी और दाल, अच्छा अच्छा दोनों की होती है। कचौरी एक दे देना भाई। वो देखो दड़ा धड़ दड़ा धड़ दड़ा धड़। 60 रुपए की है? 60 रुपए की है, हाफ प्लेट 30। 30 वाली देना है। तो भाई क्योंकि हम खा नहीं सकते, इतना खा लिया है तो फुल प्लेट का दिल तो कर रहा है लेकिन नहीं खा सकते, तो अभी जरा वो खाते हैं 30 वाली। ये मिल गई भाई, खुशकिस्मत हूँ मैं, खुशकिस्मत। आओ जरा साइड पे चल के खाते हैं, यहाँ तो धक्के पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, हमें भी मिल गया। तो इन्होंने बड़ा रिकमेंड किया था कि खाए। मैंने आपको देख के ना वो जज्बा आपका पैशन देख के फिर मुझे लगा यार आप खा रही हैं तो फिर मुझे भी खाना चाहिए। हम लोग जो है ना, मैं जो हूँ मैं यूपी से हूँ, मथुरा आगरा। अच्छा अच्छा, तो आप समझ सकते हो हम लोग कचौड़ियों के टेस्ट में बड़े पर्टिकुलर। यूपी का वाकई पूरी दुनिया में मशहूर है वाकई। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे को 6 महीने हो गए हैं दिल्ली में पर मैंने फर्स्ट टाइम खाई है यार। ये आज कोई 15-20 का टाइम होगा। 15-20 अच्छा खाई है अच्छा। आज ये इतना बड़ा हसीन इत्तफाक है कि जिसको भी मैं जिस दुकान पे मिल रहा हूँ वो पहली दफा ही आया हुआ। पहले मुझे लगा ये शायद कल्चर है दिल्ली का, हर बंदा कहता है पहली, ये एक्चुअली आप पहली दफा आएंगे। मैं दिल्ली में हूँ, हाँ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स और दिल्ली में सेटल पर्टिकुलर 16 ईयर्स से हूँ। अच्छा फिर भी पहली दफा आएंगे ये तो चांदनी चौक कई बार आया बट कभी मैं मतलब मेरा ऐसा कि हाइजीनिक नहीं है पता नहीं। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। जैसे कि हम लोग यूपी के लोगों का मानना है कि अच्छा, जो कचौड़ी है ना जी, वो हमारे यहाँ यूपी में अच्छी। अच्छा, अच्छा मैं खुद पहली दफा खा रहा हूँ। जो जलेबी होती है ना जो डिपेंड इन द आंध की सब्जी है। बहुत आला बहुत आला। अभी क्या रिव्यू है? रिव्यू बताए ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब तो रिकमेंड कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। तो अभी हम खाते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या सीन है। अरे भाई तो बहुत बढ़िया है यार, देखो अंदर स्टफिंग मिल रही है, गरम बहुत है, ये फ्रेश दिए ना और ये इसके साथ आप ले। ओए होए होए होए, वाह भाई वाह। तो खाड़ी नाम मशहूर ही नहीं है उसका, ये कचौरी भी बहुत अच्छी है। अब हाइजेनिक वाइजेनिक छोड़ो यार, अब यहाँ पे आए तो क्या देखना है, तो उसको बाद में देखेंगे जब बाद में पेट वेट खराब होगा उसका रिव्यू बाद में देंगे।
अभी तो खाते ना, अभी एंजॉय करते हैं। और ये भाई अगली शॉप है, बहुत ही फेमस पाव भाजी, बड़ा पाव, चूर चूर नान, छोले भटूरे, यहाँ पे भी बहुत वो खड़े हैं। एक तो वैसे ही रश है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, बहुत बढ़िया। वो पकोड़े रखे हैं,